अगर आप चाहते हो आपकी उन्नति गाड़ी की स्पीड से, फेरारी की स्पीड से, या जहाज के प्लेन की स्पीड से हो, तो आपको गैर भाषा में बातें करनी सीखनी पड़ेंगी। हालेलुया। अगर मैं आपको आज आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने के लिए बोलूं, क्या आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट, सबसे बड़ा आपको क्या चाहिए, तो लोग लिखेंगे मैं 19 साल से विदेश की ट्राई कर रहा हूं, कोई लिखेगा मैं इतने साल से बीमार हूं, मेरे बेटे को ये चाहिए। पर आपका पहला प्रेयर रिक्वेस्ट ये होना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। पेंटिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा, तो बाइबल बताती वो उस जोएल नबी की बुक से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तूने कहा है अपनी बाइबल में कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए पहले, पहले अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, अपना आत्मा हम पे उंडेल, क्योंकि तेरी आत्मा के बिना काम करना मुश्किल हो जाएगा, तेरी आत्मा के बिना लोगों को बताना मुश्किल हो जाएगा, तेरी आत्मा के बिना चलना मुश्किल हो जाएगा, अगुवाई लेना मुश्किल हो जाएगा। बाइबल में लिखा पौलुस एक जगह जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा एशिया में वचन सुनाने के लिए नहीं जाना। सोचो अगर ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई ना होती, तो वो बाइबल के वचनों से जाता कि परमेश्वर ने कहा है जाओ और पूरे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, तो परमेश्वर मुझे जाने के लिए मना क्यों करेगा। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मना किया एशिया में वचन सुनाने के लिए, और पौलुस वहां पे नहीं गया। आज बहुत सारे लोगों की सेवकाई फलदायक नहीं है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस फलदायक नहीं, क्योंकि बिजनेस इसलिए खुला है क्योंकि मेरे पड़ोसी का सेम बिजनेस बड़ा चला है, इसलिए मैंने भी वो खोल लिया और मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं ली कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मेरी सेवकाई में क्या चाहता है, मेरे बिजनेस में क्या चाहता है, मेरी जिंदगी में क्या चाहता है। वो तभी मालूम होगा अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान हैं। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपके दिमाग को तो यह नहीं पता होता कि आप क्या बोल रहे हैं, पर लिखा आपकी आत्मा उन शब्दों को इस्तेमाल करती है परमेश्वर के सामने प्रार्थना को रखने के लिए, और वो असली प्रार्थना है जैसी विश्वासी को करनी चाहिए। अगर आप गैर भाषा में बातें नहीं करते हैं और अपना 100% भी अगर आप दें, घंटों भी प्रार्थना करें, तो भी आपके 100 में से 10 नंबर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इमोशनल नहीं जीतेगा पर हथियारों के साथ लदा हुआ वो जीतेगा, लड़ने वाला जीतेगा। आज बहुत से लोगों के पास जब पहला वरदान जो बुद्धि का वरदान है जब नहीं होता, तो वो फंसते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब, हर सवाल का जवाब हां में या ना में नहीं दिया जा सकता। यीशु मसीह से लोग पूछते हैं परमेश्वर बता हमें क्या टैक्स देना चाहिए। यीशु मसीह को मालूम था मुझे परख रहे हैं। अगर यीशु मसीह बोलते हां हमें टैक्स देना चाहिए रोमी सरकार को, तो सारे यहूदी नाराज हो जाते और बोलते यीशु मसीह तो रोमियों का है, हमारा नहीं है, ये हमारा अगुवा नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह कहते नहीं देना चाहिए, तो वो रोमी सरकार को शिकायत करते कि यीशु मसीह अपने लोगों को टैक्स ना देने के लिए भड़का रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है, कहते सिक्का, लाओ। परमेश्वर ने कहा ये किसकी मूर्त है सिक्के के ऊपर, कहते कैसर की। परमेश्वर ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ना हां बोला ना ना बोला, ये कौन सा वरदान था, बुद्धि का वरदान। अगर आप में बुद्धि का वरदान नहीं है तो फंसते हो आप। जब लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हो, तो आपके पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है, उसका वरदान नहीं है, तो आप गलत जवाब देते हो। हां में दोगे तो भी फंसोगे, ना में दोगे तो भी फंसोगे। लेकिन वो काम कैसे करेगा बुद्धि का वरदान, क्योंकि रात को तो ब्लू फिल्म देखी है, अभी सुबह तो गर्लफ्रेंड से बात करके आए, अभी सुबह तो गंदे काम करके आए, अभी चर्च के बाहर ही सिगरेट फेंक के बस अंदर आए, तो पवित्र आत्मा के वरदान कैसे काम करेंगे, वो कैसे आपके साथ चलेगा, कैसे आपको छुड़ाएगा। जहां जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। तो अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो आप आजाद है, नहीं तो नहीं। दुनिया का कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर फिर आपको फ्री नहीं कर सकता अगर होली स्पिरिट आपके साथ नहीं है तो। इसलिए पागल लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते जाते थक जाते हैं, और साइकेट्रिस्ट उनकी काउंसलिंग करता करता थक जाता है। बेटा जो तू देख रहे हैं वो दुष्ट आत्मा नहीं, वो केमिकल का लोचा है, वो ये लोचा है वो लोचा है, पर वो जो जानता है कि उसको कोई इलाज नहीं कर सकता। लेकिन चर्च में आने के बाद जब वो दुष्ट आत्मा जाते हैं, क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आज के बाद आपको किसी चीज की जरूरत है, तो वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो पवित्र आत्मा है। आमीन। मेरी ये प्रेयर है आज परमेश्वर के नाम में कि होली स्पिरिट आप पे उतर सके।
आमीनों चादो बरकतों ची चर्च।